सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सड़क सुरक्षा को लेकर स्थानीय पुलिस विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर रही है। दोपहर बाद स्टेशन स्थित वेंकटेश्वर मंदिर से ऑटो चालकों का रोड शो निकाला गया। ऑटो चालकों को एएसपी सीताराम महेश ने सड़क सुरक्षा अधिनियम 2019 के बारे में विस्तार से जानकारी दी और मोबाइल पर बात करते वक्त शराब पीकर बिना लाइसेंस वाहन न चलाने की अपील की। इसके बाद एएसपी सीताराम महेश, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, यातायात प्रभारी एएसआई जय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रोड शो को रवाना किया। दूसरी ओर यातायात प्रभारी जय सिंह ने बताया कि रोड शो बस स्टैंड से रवाना होकर गांधी चौक, फिर घंटाघर और फिर वहां पर विसर्जित हुआ। इससे पहले पुलिस प्रशासन द्वारा स्कूलों में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन 4 वर्गों में किया गया। एएसपी सीताराम महेश ने बताया कि प्राइमरी, मिडिल सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी वर्ग में आयोजित इस परीक्षा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेताओं को चूरू एसपी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस रोड शो के दौरान और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए। सड़क सुरक्षा जो मनाया जा रहा है इसमें चूरू ज़िले में और ख़ासतौर से हमारे सुजानगढ़ सेक्टर में सभी स्कूलों में आज पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई थी। ये छात्रों के 4 ग्रुप बनाए थे, प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन, और उन सेक्शनों के अंदर छात्रों से यातायात सुरक्षा के संबंध में, सड़क सुरक्षा के संबंध में पेंटिंग करवाई गई थी। वो पेंटिंग आज इकट्ठी करके हमने जिला मुख्यालय भिजवाई हैं। उनमें जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया सभी को जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के अंदर सभी थानाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन जाकर सड़क सुरक्षा के संबंध में यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। आज इसी कड़ी में हमने ये सुजानगढ़ में जो ऑटो चालक है इनका हमने रोड शो किया है और इनको यातायात के नियमों की जानकारी दी है। आमजन से हमारा यही निवेदन है, यही अपील है आपके माध्यम से कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों की पूर्णतः पालन करें, शराब पीकर कोई वाहन नहीं चलाएं, तेज़ गति से नहीं चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। मुख्य रूप से यही लोगों से हमारी अपील है। आप की लापरवाही से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं जो ओवर स्पीड है या शराब पीकर वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं, इन मुख्य कारणों से ओवरटेक करना, इनकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। आज देश में सबसे बड़ी समस्या एक्सीडेंट वाली है, जिसकी वजह से जो मृत्यु का आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा अपने देश में बढ़ता जा रहा है एक्सीडेंट की वजह से, और इसमें यूथ की ज़्यादा मृत्यु हो रही है। इसलिए यातायात नियमों का सभी को पालन करना चाहिए ताकि यह मृत्यु दर कम हो सके।